अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुकेरा एडिट्स। दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि आप पिक्चर के बैकग्राउंड में रेड टोन एंड येलो टोन कैसे दे सकते हैं। जिस ऐप के जरिए हम एडिटिंग करेंगे उसका नाम है लाइट रूम। आपको नीचे लिंक दिया गया, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम पिक्चर को ऐड कर लेते हैं और गैलरी में जाने के बाद जिस फोल्डर में आपकी पिक्चर है वहाँ से आपने क्लिक करना, और शेयर पर जाने के बाद इसको हम लाइट रूम में ऐड कर लेते हैं। ये देखें, लाइट रूम में ऐड हो गई। एडिंग फ़ोटो टू ऑल फोटो एल्बम, ये देखें हो गई। उसके बाद हम बैक आते हैं, उसके बाद हम जाते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम ओपन हो गई, ये देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको ऑल फोटोज़ में जाना। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद ये देखिए ऊपर पिक्चर आ गई है। देखिए पिक्चर आ गई है। उसके बाद हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ मिल रहा होगा लाइट। सिक्स नंबर पर आपको लाइट मिल रहा होगा। इसमें जाने के बाद आपको एक्सपोजर को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ऐसे हल्का सा। मैं इसको रखता हूँ 8 या 9 10 पे रख लेते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 4 5 पे रख लेना। उसके बाद हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको बेस के पास रख लें। उसके बाद हम जाते हैं वाइट्स, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, वाइट को 6 तक कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इस 7 टूल पे। 7 टूल में जाने के बाद कलर वाला ये टूल है, इसमें जाने के बाद हम इसमें कोई भी नहीं देंगे। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं मिक्स टूल। मिक्स टूल में जाने के बाद इस व्यू को थोड़ा सा हमने मैनेज कर देना है इस तरह। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद ल्यूमिनस, ल्यूमिनस आपके चेहरे को सफ़ेद यानी कि लाइट देती है। ये देखिए हम बढ़ा देते हैं। जो वाइट चीज़ होगी वो पहले से ज़्यादा रोशनी होती जाएगी। ये देखें वाइट होने लग जाएगी। थोड़ा सा हम इसको दे देते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद ये ऑरेंज, ऑरेंज में जाने के बाद हम इसकी व्यू भी थोड़ी इसी तरह कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे 3 4 पे, ये भी हम यहीं रख लेते हैं। उस वाले में इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद येलो में जाने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देना है, इसको यहाँ तक रख लेना है। देख लेना आपने यहाँ तक मैं रख रहा हूँ, आपने भी ये ऐसे ही करना है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ग्रीन में जाने के बाद इसको हम इस तरह थोड़ा सा कर देना है। देखें बैकग्राउंड में थोड़ा सी चेंजिंग आ गई है। उसके बाद फिर इसको भी थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं, इसको मुकम्मल ऐसे करने हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखें हो गया, उसको ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी तरह आपने कर देना। उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं डन। डन करने के बाद आपको यहाँ मिल रहा होगा 4 नंबर पर, ये 3 से 3 डब्बे मिल रहा होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ फेवरेट्स के साथ एक एरो नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आर्टिस्टिक में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है आर्टिस्टिक थ्री में। थ्री में आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखें ऑटोमेटिक ही येलो टोन आ गई है। उसके बाद हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें मैंने आपको बताया था कि आप रेड टोन कैसे दे सकते हैं। ये देखें ये रेड टोन है, इसका आप ऐसे करेंगे तो ये रेड टोन हो जाएगा। हम इसको अब माइनस कर देते हैं। ये देखें ये पहले ऐसा हो गया, 100 पे किया तो ये येलो टोन आ गया। और अगर आप बैकग्राउंड यानी कि रेड टोन देना चाहते हैं तो इसको यहाँ तो 200 में कर दें। ये देखें रेड टोन आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ 100 पे रख लें। ये देखें उसके बाद हम यहाँ से डन कर देते हैं।
वीडियो कॉल कर ले तो हम सी मेरे पास ना चल उन्हें आने यार तू नहीं आता ये देखिए ये रेड टोन आ गया, उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। शेयर पे जाने के बाद सेव टू डिवाइस में करेंगे ये, तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। ओके कर दें, ये गैलरी में। उसके बाद अगर आप यहाँ से तीन डॉट में जाने के बाद कॉपी सेटिंग करें, डन कर दें। ये देखिए ये सेटिंग कॉपी होगी। उसके बाद अगर आप किसी और पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे देखें, ये पिक्चर है इस पर पेस्ट कर दें। ये देखें अप्लाई हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।